दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। गौर से देखें इस बाबा को, जो बड़े आराम से गलियों में घूमता हुआ अपना टारगेट ढूंढता है, और जब कोई व्यक्ति इसके झांसे में आ जाता है तो यह अपने माया जाल में फंसाकर उसे लूट कर ले जाता है। ऐसी ही घटना देखने को मिली अबोहर की गली नंबर 14 के सातवें चौक पर, जहां एक राहगीर का बाइक रुकवाने के बाद एक बाबा ने ऐसा माया जाल फेंका कि बुजुर्ग उसके झांसे में आ गए और जो जो उसने कहा वे करते गए। बाबा ने बुजुर्ग को बातों में फंसाकर उनकी हजारों रुपए की हाथ में पहनी अंगूठी उतरवा ली और रफू चक्कर हो गया। ठगे जाने के बाद बुजुर्ग ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सिटी वन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। ठगी का शिकार हुए बुजुर्ग बाबूलाल आहूजा ने बताया कि जब वे बाजार से गुजर रहे थे तो एक युवक ने उन्हें बताया कि उनकी एक जान पहचान वाला बाबा उन्हें बुला रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बाबा उन्हें बुला रहा था। बाबूलाल आहूजा ने बताया कि जब वे बाबा के पास गए तो बाबा ने उसे बातों में लगा लिया। बातों बातों में उसने 10 रुपए का नोट मांगा, फिर उस नोट पर एक पत्थर रख दिया। इस दौरान पता नहीं ऐसा क्या हिप्नोटाइज किया कि बाबा ने जो कुछ कहा वे करने लगे। बाबा ने उनके हाथ में पहनी अंगूठी भी उतरवा ली और उसे अखबार में रखकर कहा कि वे इसे घर जाकर खोलें। लेकिन जब वे घर जाकर अखबार खोलते हैं तो उन्हें अपनी अंगूठी उसमें नहीं मिलती। इसके बाद उन्होंने इसकी घटना की सूचना पुलिस को दी। इस बाबा की सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं कि यह बाबा लंगड़ाता हुआ कंबल पहने हुए गली के बीच में जा रहा है। अगर आपको आसपास कहीं ऐसा बाबा दिखे तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर करें, ताकि ऐसे ढोंगी बाबाओं को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। दोस्तों वैसे तो आजकल हर किसी को पता है कि जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती, परंतु फिर भी कुछ लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान करवा लेते हैं। ठग टाइप के लोग नए नए ढंग से ठगी करते हैं। यह घटना गली नंबर 14 की है। वहीं आपको बता दें कि करीब 2 वर्ष पहले सदर बाजार के ही एक दुकानदार को ठगों ने पुरातन हार देने के नाम पर लाखों रुपए की चपत लगा दी थी।